हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को सरकार के आदेश पर वापस लाया गया है। कोटा से हरियाणा परिवहन की बसों में प्रदेश के 858 छात्रों को वापस लाया गया। इनमें रेवाड़ी के 136, बहादुरगढ़ के 20 छात्रों को वापस लाया गया, जिनमें 6 छात्राएं और 1 छात्र की मां भी वापस लौटी हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें देर रात छात्रों को वापस लेकर लौटी। छात्रों के वापस लौटने के बाद सभी छात्रों की मेडिकल जाँच कराई, जिसके बाद इन सभी छात्रों को अलग अलग जिलों में क्वारंटाइन किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग ले रहे छात्रों को लेने के लिए 31 बसें भेजी गई थी। इनमें 15 बसें नारनौल और 16 बसें रेवाड़ी डिपो से भेजी गई थी, जो छात्रों को लेकर वापस लौटी है। डिपो पर पहुंचने पर इन सभी बसों को सैनिटाइज भी किया गया। हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे उनको वापिस अपने अपने शहरों में लाया गया है। तो इसी सिलसिले में अम्बाला में 14 बच्चे लाए गए हैं, जिनको लड़कों को स्काउट सेंटर अम्बाला कैंट में 6 लड़के हैं उनको वहां रोका गया है, और 8 लड़कियां उनको इस कंबोज धर्मशाला में रखा गया है। ये इनको अभी फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया है। तो बस जैसे ही यहाँ से अपना इन बच्चों को छोड़ती है, उसके बाद यमुनानगर और पंचकुला बच्चों को छोड़ गई, इसी तरह पूरे हरियाणा में बच्चों को छोड़ा गया। हाँ, इनका प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप किया गया है और अभी इनका डिटेल्ड हेल्थ चेकअप वो अभी किया जाएगा। 14 बच्चे अम्बाला से हैं, टोटल पूरे हरियाणा के लगभग 800 बच्चे इस तरह